गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो प्रेस नोट, जिसमें इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ISS और IAS एग्जामिनेशन 2020 जो था, इनका रिजल्ट जो आउट हो गया है। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा अपडेट है, जो UPSC का रिजल्ट था वो आउट हो गया है, जिसमें बड़े सारे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की थी उसमें 15 टोटल वैकेंसी थी, इंडियन स्टैटिकल सर्विस की 50 वैकेंसीज थी। तो अकॉर्डिंगली जनरल EWS OBC SC ST की वैकेंसी थी। इसके अलावा नंबर ऑफ कैंडिडेट जो रिकमेंड किए गए थे अपॉइंटमेंट के तौर पे, वो भी आगे नाम जो है इनके बताए हुए हैं। तो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंगली रूल और अकॉर्डिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। तो इसके बाद जो फॉलोइंग रिकमेंडेड कैंडिडेट है वो प्रोविजन है, जैसे ये नीचे बताए हुए हैं। रोल नंबर जो है इंडियन इकोनॉमी सर्विस का 1 और इंडियन स्टैटिकल सर्विस के 4 हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो सिलेक्शन लिस्ट है इंडियन इकोनॉमी सर्विस की 2020 की, जिसमें ईशा स्वरूप ने टॉप किया और तनवीर अहमद खान जो कश्मीर से हैं जे सेकंड नंबर पे आए हैं। ये 15 कैंडिडेट हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों इंडियन स्टैटिकल सर्विस की बात करें, तो इसमें निपुण जैन जो है जो टॉप किया है इन्होंने, तो इसमें कैंडिडेट जो टोटल थे 50 थे। तो दोस्तों, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है कि UPSC की तरफ से IAS IAS का एग्जाम जो है वो आउट हो गया है। आप भी अपना नाम देख लीजिए, और बड़ी खुशखबरी की बात है जिनका जो नाम आया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज़।